हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोली पॉइंट। नाजरीनी ग्रामी इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्मिंदर दियोल की डेथ हो गई है, यानी कि वो कोरोना वायरस से ना लड़ पाए और जान की बाजी हार गए। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड का रुख इख्तियार कर चुकी है। क्या ये खबर वाकई सच है? अगर सच है तो इस खबर की तस्दीक कहाँ पर की गई? तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त करता चलूं कि मजीद बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे नित नई खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब की स्मूफी चैनल बोली पॉइंट को भी सब्सक्राइब करते हैं। नाजरीन ग्रामी मुख्तलिफ वेबसाइट्स और बड़े बड़े भारत के न्यूज चैनल्स पर अभी मैंने खबर देखी है कि धर्मिंदर दियोल मर गया। उसके बाद मैंने इस खबर की मुकम्मल तहकीकात की, जिसके बाद मुझे पता चला कि धर्मिंदर दियोल को अचानक अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया और धर्मिंदर दियोल को इंतहाई नाजुक कंडीशन में लोगों ने देखा, जिसके बाद किसी ने वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाकर डाल दिया कि धर्मिंदर दियोल जान की बाजी हार चुकी हैं और वो अस्पताल की एम्बुलेंस में मौजूद थे। दोस्तों, मैं आपको साफ साफ अल्फाज में बताता चलूं कि इस वक्त धर्मिंदर दियोल का इलाज जारी है। कभी उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और कभी उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। इस वक्त वो तमाम लोगों की दुआओं के तलबगार हैं, ना कि ऐसी झूठी अफवाहों के। तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि उनके लिए कमेंट बॉक्स में गेट विल सोन लाजमी लिख दें और मसीर बॉलीवुड इंडस्ट्री की नित नई खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब के स्मूफी चैनल बोली पॉइंट के साथ जुड़े रहें।